हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही सुंदर क्रोशिए का डिजाइन बताऊंगी। इस डिजाइन को आप जैकेट में बुन सकते हैं और पट्टियां बनाकर आप मैच कवर, चुन चुन या कुशन कवर कुछ भी बना सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से आप पहले चैन बुनिए। ये चैन इस प्रकार से बनानी है, 30 चैन मैंने इसमें बुनी है। और अब देखिए आगे कैसे करेंगे इसको। इस प्रकार से क्रोशिए पर धागा लगाइए और डबल चैन जैसे बुनते हैं उसी प्रकार से बनाना है। ये देखिए, यहाँ पर हम इस प्रकार से बनाएंगे। आप नीचे पहले पट्टी भी बना सकते हैं। अगर आपको क्रोशिए से झालर बनानी है तो आप सीधा भी इसी प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार इसी क्रोशिए से इसी में हम 4 बार डालेंगे। ये देखिए, 2, 3, 4 4 चैन हमने इसमें गुच्छी के लिए बनानी है। तो इस चैन को, फर्स्ट वाली चैन को हम एक्स्ट्रा छोड़ देंगे जो साइड के लिए आएगी, और 4 चैन इस एक ही गुच्छी में बना लेंगे। अब एक चैन हम सिंपल बुनेंगे ऐसे। फिर से देखिए आगे कैसे बनाना है। यहाँ पर 2 चैन छोड़ देंगे, 1, 2 2 चैन छोड़कर 3 वाली चैन में यहाँ पर डालेंगे इस प्रकार से। फिर दोबारा से फिर आगे वाले चैन में डालेंगे ऐसे। ये देखिए, 2 चैन हमने यहाँ बुनी। अब 5 चैन सिंपल बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 5 चैन सिंपल बुनी बिना धागा लगाए। अब धागा लगाएंगे और 5 चैन नीचे छोड़कर 6 वाली चैन में डालेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 वाली चैन में इस प्रकार से डालेंगे। ये देखिए, 2 बार बुनना है। अब 3 चैन सिंपल बुनेंगे, 1, 2, 3 3 चैन सिंपल बुनी, फिर से धागा लगाया, 3 चैन नीचे छोड़ देंगे। ये देखिए, यहाँ पर 1, 2, 3 3 छोड़ दिया, 1, 2, 3 3 छोड़कर इसमें लगाएंगे, 1 चैन इसमें बुनेंगे इस प्रकार। अब 5 चैन फिर से सिंपल लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 अब यहाँ देखिए, 5 चैन फिर से नीचे छोड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर से इसमें लगाएंगे। एक बार और अब दूसरी चैन में दोबारा से, ये 2 बार ये देखिए। इस प्रकार से इस डिजाइन को शुरू करना है। अब यहाँ पर एक चैन लगाया और अब इस सेकंड वाली चैन में फिर से डाल दिया। अब इसी एक के बीच में 4 बार डालेंगे, 2, 3, 4 4 बार डालेंगे और एक धागा लगाकर
फिर एक चैन आगे सिंपल बुन देंगे जिससे ये सेट हो जाएगा। यहीं से अब हम टर्न करेंगे, 1 2 2 बनाकर यहीं से टर्न किया और फिर से उसी प्रकार ये देखिए इसमें डालेंगे 4 बार, 2 3 4। बीच में एक चैन लेंगे, चैन लेने के बाद अब आगे डालेंगे यहाँ पर डबल क्रोशिया वाली चेन बनानी है। यहाँ पर देखो एक बार बनेगा ऐसे और दूसरी बार ऐसे बनेगा। अब 2 चेन हम यहाँ पर बढ़ा देंगे, एक बार और इसमें 2 बार। 2 चेन पहले यहाँ पर 2 थी, अब यहाँ पर हमने 4 चेन बनाए। अब यहाँ पर हमने 5 चेन सिंपल बुने थे, अब 5 के बजाय हम यहाँ पर 4 चेन सिंपल बुनेंगे, 1 2 3 4। अब धागा नहीं लगाएंगे, बगैर धागे लगाए हुए इस प्रकार से इस पर ज्वाइंट करेंगे यहाँ पर। ये देखिए इसी के अंदर हम 5 बार डालेंगे ऐसे बगैर धागा लगाए। ये देखिए 3 4 और ये 5, 5 बार हमने इसके अंदर से भर दिया है। अब आगे 4 बार यहाँ पर चैन बनाएंगे सिंपल चैन, 1 2 3 4, 4 चैन सिंपल बुनी, फिर धागा लगाया और यहाँ पर डबल चैन 2 बनाएंगे। ये 2 ये हैं दोनों को, इनको भी बनाएंगे। यहाँ पर हमारे 4 चैन सिंपल बनेंगे इस तरह से, एक चैन लीजिए सिंपल, फिर से धागा लगाया, फोर बार इसमें डालेंगे डबल क्रोशिया ऐसे, डबल क्रोशिया 4 बार। अब यहां पर धागा लगाया और इसको सेट करने के लिए हम एक चैन सिंपल रखेंगे साइड में, ये इस तरह से सिंपल चलेगी। जब हम पट्टियां जोड़ेंगे तो इसमें से कुंडी ले लेंगे, 1 2 फिर टर्न किया, ये देखिए फिर से ऐसे ही डबल क्रोशिया 4 बार, 2 3 4। एक चैन लीजिए सिंपल, अब आगे बुनिए, 1 2 देखिए ये 3 और ये 4, 4 चैन पहले थी, अब यहां पर हम 2 चैन बढ़ा देंगे तो यहां पर हमारी 6 चैन बनेंगी, डबल क्रोशिया 6 चैन ऐसे, हर बार 2 चैन बढ़ानी है। अब यहाँ पर हमने पहले नीचे 5 बनाए फिर यहाँ पर 4 बनाए, तो अब यहाँ पर हम 3 चैन सिंपल बुनेंगे, 1 2 3, 3 चैन सिंपल बुने,
और बिना धागा लगाए हुए यहाँ भी थ्री चेन डालेंगे, वन टू ये थ्री, थ्री चेन यहाँ पर लगाई और थ्री चेन ही हम सिंपल बुनेंगे, टू थ्री, फिर से ऐसे ही सिक्स डबल चेन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स, यहाँ पर भी सिक्स डबल क्रोशिया चेन लगाई, फिर एक चेन सिंपल बुनेंगे ऐसे बिना धागा लगाए। अब धागा लगाएंगे और फोर क्रोशिया यहाँ पर डालेंगे डबल चेन वाला, ये देखिए वन टू थ्री ये फोर, फोर डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर इसको ज्वाइंट करने रखने के लिए एक चेन यहाँ लगाएंगे अलग से, ये देखिए इसकी शेप बहुत अच्छी आएगी और ये हमें पट्टियाँ जोड़ने में सहायक बनेंगी। टू बार चेन लीजिए सिंपल, फिर से टर्न कीजिए। अब देखिए फिर से ऐसे ही डबल क्रोशिया फोर बार, ये फोर ये चेन लगाइए और अब फिर से इसमें इस सिक्स कुंडी जो हैं सिक्स चेन हमारे यहाँ तक पहले कंप्लीट कर लें, ये देखिए बहुत ही सिंपल डिजाइन है और बहुत ही सुंदर बनता है, ये आसान भी बहुत है। ये देखिए फाइव और अब ये इसमें डालेंगे तो हमारे सिक्स कंप्लीट हो गई। अब टू कुंडे फिर से आगे डबल क्रोशिया यहाँ पर हम बढ़ा देंगे इस प्रकार, ये हमने डबल क्रोशिया एट बार बनाया है। अब यहाँ पर टू सिंपल बनाएंगे, अब इसके बीच में जब डालेंगे तो यहाँ पर हम धागा लगा कर डालेंगे इसका लेवल बराबर करने के लिए, इसमें एक जो इस प्रकार से डालेंगे डबल क्रोशिया टू, फिर से ऐसे ही डबल क्रोशिया एट, ये देखिए डबल क्रोशिया एट टू थ्री ये फोर ये फाइव ये सिक्स ये सेवन और ये एट, एट बार हमने इधर भी डाला है, ये देखिए इस प्रकार से ये बनकर ये डिजाइन आएगा। और इसके ऊपर फिर से जैसे हमने ये फर्स्ट रो डाली थी उसी प्रकार से डालना है, बार बार यही लाइनें आप रिपीट करते जाएंगे तो देखिए किस प्रकार का डिजाइन बनकर तैयार होगा। ये देखिए आप, ये देखिए बार बार
आप यही लाइनें रिपीट करते जाइए और इस प्रकार की पट्टियां बनकर तैयार कीजिए। और फिर इनको ज्वाइंट करना है तो ज्वाइंट कर सकते हैं आप यहाँ से, ये देखिए, या इस डिजाइन को आप जैकेट में भी प्रयोग कर सकते हैं। कलरफुल बनाना हो तो आप कई कलर की बची हुई ऊन से इसकी पट्टियां बनाकर भी इसे ज्वाइंट कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर डिजाइन बना है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए।